तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक एक कक्षा सात विषय हिंदी जो कि आपको आज प्रोवाइड की गई है 16 अगस्त को और ये आपका फर्स्ट टेस्ट है अगस्त मंथ का 10 नंबर का। इसके बाद आपका फिर से सितंबर मंथ में फर्स्ट वीक में 20 नंबर का टेस्ट होगा, फिर थर्ड वीक में सितंबर मंथ के फिर से 10 नंबर का टेस्ट होगा। तो ध्यान रखना, इसी चैनल पर आपको हर एक असेसमेंट के आंसर मिलते रहेंगे। तो जैसे कि आप वर्कशीट में से भी ये पढ़ रखे हो चैप्टर हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ठीक है, तो जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इनको आप अच्छे से पढ़ना क्योंकि इनको पढ़कर टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका 10 नंबर का टेस्ट है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और साथ में आंसर बताएंगे, लास्ट में सारे आंसर लिखकर बता देंगे, वहाँ से आप नोट कर लेना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है पक्षी नहीं गा पाएंगे क्योंकि, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, ए बी सी डी चार ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन राइट है, वह पिंजरे में कैद हैं। सेकंड क्वेश्चन पक्षियों के पंख कैसे हैं, तो आंसर इसमें ए राइट है, पुलकित। थर्ड क्वेश्चन पक्षी कैसा जल पीना पसंद करते हैं, बी ऑप्शन राइट है, बहता हुआ जल। फोर्थ क्वेश्चन पक्षी के अरमान निम्नलिखित में से नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है, सोने के पात्र में भोजन करना। क्वेश्चन नंबर फाइव निबौरी का स्वाद कैसा होता है, तो निबौरी का स्वाद ए ऑप्शन राइट है, इसमें नीम जैसा कड़वा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, नीम जैसा कड़वा, तो फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट है, वे पिंजरे में कैद हैं, सेकंड में ए पुलकित, थर्ड में बी बहता हुआ जल, और फोर्थ में डी सोने के पात्र में भोजन करना, और फिफ्थ में ए नीम जैसा कड़वा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स पक्षी कब अपना उड़ान भूल जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है, सोने की बेड़ियों में जकड़कर, ठीक है। सातवां कनक शब्द का अर्थ इनमें से होगा, तो सी ऑप्शन राइट है, सोना। आठवां क्वेश्चन आकाश शब्द का समानार्थी शब्द होगा, मतलब पर्यायवाची, डी ऑप्शन राइट है, गगन। नौवां क्वेश्चन है उन्मुक्त शब्द का समानार्थी शब्द होगा, तो ए ऑप्शन राइट है, स्वतंत्र। दसवां क्वेश्चन पुलकित शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय वही होता है जो लास्ट में आता है, तो पुलकित लास्ट में क्या निकल रहा है, इत, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया हमें, बी, इत ऑप्शन राइट है। क्लियर है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट में बी वे पिंजरे में कैद हैं, सेकंड में ए पुलकित, थर्ड में बी बहता हुआ जल, फोर्थ में डी सोने के पात्र में भोजन करना, फिफ्थ में ए नीम जैसा कड़वा, सिक्स में ए सोने की बेड़ियों में जकड़ कर, सेवन में सी सोना, एट में डी गगन, नाइन में ए स्वतंत्र, और टेन में बी इत। क्लियर है। और इस हफ्ते आपकी पर डे एक असेसमेंट वर्कशीट आएगी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फ्राइडे को छुट्टी है, बाकी जो पाँच दिन बचे इस वीक में पर डे एक असेसमेंट वर्कशीट आएगी 10 नंबर के टेस्ट, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार के आंसर की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, आपको कहीं भटकने की और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि ये आपका 10 नंबर का टेस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो और यही नंबर आपके पेपर में लगने हैं। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।